हेलो फ्रेंड्स, परस एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक फुली ऑटोमेटिक ऑटोकार इन्वर्टर बनाना चाहते हैं तो आप एक सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में सब बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस इन्वर्टर को बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो चीज़ है वो है RPS किट। इस आर पी एस किट को यूज़ करके पहले भी मैंने इन्वर्टर बनाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 12.12 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर, ठीक है। और यहाँ पर मैं बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ करूँगा एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर मैंने एक बीज रेक्टिफायर लगा दिया है। अगर आपको भी इसका भी सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको इसका भी सेपरेट वीडियो बना के लाएंगे। इस इन्वर्टर का सबसे बड़ा खासियत ये होगा कि फ्रेंड, यहाँ पर हम ऑटोकार बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट भी इंस्टॉल करेंगे, जिससे कि बैटरी फुल ओवरलोड या फुल चार्ज होने पर इंडिकेट करेगी। यहाँ पर मैं स्विच इसका यूज़ करूँगा, और ये इसको हम सेफ बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक फ्यूज़ का यूज़ करूँगा। फ्रेंड्स, ये एक 3 एम्पियर का फ्यूज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पर ठीक 3 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ करूँगा। और ये जो इन्वर्टर है ये बहुत गर्म भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत हेवी इन्वर्टर है और इसको मैं बहुत ही हेवी यूज़ में लूँगा। तो यहाँ पर मैं एक CPU फैन का भी यूज़ करूँगा, इसको भी आपको दिखा दूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक सॉकेट लिया, ये AC सॉकेट है, और यहाँ पर मैं एक 12 वोल्ट का CPU फैन भी यूज़ करूँगा, जिससे कि ये ज़्यादा गर्म ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये जो सब चीज़ें लिया है, ये सब चीज़ें आपको मार्केट में मिल सकती है, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, आप में इसकी जो सर्किट है इसको बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, इसको आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर रिले का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस रिले को यूज़ करके हम जो बैटरी चार्जिंग ऑटोकार सर्किट है इसको बनाएंगे, और यहाँ पर हमें कुछ LED चाहिए जो इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमें BC547 ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो वायरिंग है ये आप बहुत ही ध्यान से देखना, और पूरा वीडियो बिना स्किप किए बहुत ही अच्छे से देखना, जिससे कि आपको समझ में आने में कोई भी तकलीफ ना रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैं आपको वीडियो में बता दूँगा। सबसे पहले मैं इस बॉक्स को यूज़ करूँगा। ये फ्रेंड्स, मैंने जो पुराना स्टेबिलाइजर है, इसका जो बॉक्स है इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा बनाया है। मैं चाहता तो यहाँ पर MDF बोर्ड का भी यूज़ कर सकता था, लेकिन फ्रेंड्स आप जानते ही हैं हम कितना बड़ा जुगाड़ू है, तो हमने इस ख़राब स्टेबिलाइजर का बॉक्स को यूज़ किया। आप किसी भी बॉक्स में इसको लगाकर बना सकते हैं, आपके अनुसार आप इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप यहाँ पर जो चीज़ें हैं इसको असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्विच है, इस स्विच को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये एक स्टेप अप स्टेप डाउन स्विच है। आप चाहे तो यहाँ पर SPST स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा हेवी स्विच का यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पर इन्वर्टर बहुत ही हेवी बनाने वाले हैं, और इसमें हेवी चीज़ें चलाकर भी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हेवी स्विच लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, हमने यहाँ पर इसलिए इस स्विच का यूज़ किया। और देख लीजिए, यहाँ पर एक स्विच पहले से ही लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का स्विच है, इसको ये भी बहुत ही हेवी स्विच है। आप इसके जगह भी SPST स्विच का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम फ्यूज़ भी असेंबल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 3 एम्पियर का फ्यूज यूज़ किया। आप चाहे तो इससे कम या ज़्यादा का भी यूज़ कर सकते हैं, इसका इससे कम यूज़ मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। आपको कोई भी तकलीफ आए तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम जो इसकी सॉकेट है इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे, जहाँ से हम इसकी आउटपुट ले जाएंगे। यहाँ से आप इसकी आउटपुट से चीज़ें चला सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेवी इन्वर्टर बनाने वाले हैं हम, और यहाँ पर हम ऑटो कार चार्जिंग बैटरी चार्जिंग प्रोटेक्शन सर्किट भी लगाने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझा दिया है। तो सबसे पहले इस जो इन्वर्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यहाँ पर हम RPS किट है। तो RPS किट में हम बैटरी पॉजिटिव और निगेटिव वायर को कनेक्ट करेंगे। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने 2.5 mm का वायर लिया। आप हेवी वायर का ही यूज़ कीजिएगा, अगर आपने कोई छोटा वायर का यूज़ किया तो अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाएगी आपका इन्वर्टर। तो हमने यहाँ पर 2.5 mm का कॉपर वायर यूज़ किया। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वायर को यहाँ पर ऐसे सोल्डरिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, RPS किट को यूज़ करके हमने पहले भी बहुत ही सिंपल इन्वर्टर बनाया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ इनको इन वीडियो को देखकर ही आप यहाँ पर ज़रूर आइए। ये आप इससे आपको सब समझ में आने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ से जो हमारा पॉजिटिव वायर लगाया था बैटरी, यहाँ से मैं एक और वायर निकाल देता हूँ।
इसका भी काम आपको मैं बता दूंगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। और जो हमारा बैटरी निगेटिव वायर हमने जहाँ पर सोल्डरिंग किया था, यहाँ से भी हम एक वायर निकाल लेते हैं। इसका भी काम मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे ही आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, हमने जो यहाँ पर बॉक्स रखा था, इस बॉक्स पर हमने जो ट्रांसफॉर्मर दोनों को ऐसे लगा दिया है स्क्रू की मदद से। अब यहाँ पर हम RPS किट को भी इस जगह पर ऐसे लगा देंगे। ठीक है, आप इससे बड़े बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने अनुसार इसको रख सकते हैं। तो RPS किट को यूज़ करने से पहले फ्रेंड, यहाँ पर मैं इस कार्डबोर्ड को RPS किट के पीछे लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो हमारा बॉक्स है ये पूरा मेटल बॉक्स है और RPS किट यहाँ पर लगने पर शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो मैं शॉर्ट से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर कार्डबोर्ड लगा कर इसको लगाने वाला हूँ। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्लूगन लगा कर यहाँ पर कार्डबोर्ड चिपकाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सोल्डरिंग करते समय बहुत ही केयरफुल रहिएगा, सोल्डरिंग बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। अगर थोड़ा लूज़ होता है तो RPS किट का जो मॉस्फेट है वो ख़राब हो जाने का डर रहता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर ग्लू गन से इसको ग्लू लगा दिया है। अभी मैं इसको यहाँ पर चिपका दूँगा। फ्रेंड्स, आपके बहुत सारा कमेंट था कि यहाँ पर बैटरी चार्जिंग का जो ऑटोकैड सर्किट है इसको इंस्टॉल करके बनाओ, तो हम आपके लिए ही ये वीडियो बनाकर लाए हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और कैसे हमने ये सर्किट बनाया इसको भी देखना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम RPS किट की हीटिंग का जो पॉइंट है, यहाँ पर जो स्क्रू है, यहाँ पर से हम दो वायर ऐसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन 1.75 mm का वायर यूज़ किया। अब देख लीजिए, यहाँ पर मैंने दूसरे हिचिंग से भी ऐसे ही वायर निकाल लिया। तो फ्रेंड्स, पार्ट बाय पार्ट हम आपको सब बता देंगे कि कौन सा वायर कहाँ जाएगा। तो ये जो हिचिंग से हमने दो वायर निकाला था, इनको हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है 12.5 ampere का जो हमने ट्रांसफॉर्मर लिया, इसका जो 12 और 12 का जो पॉइंट है, मतलब जो 20 का पॉइंट है, जो दोनों साइड का पॉइंट है, यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक सब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। आप अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, जिसके कि आपको समझ में आने में आसानी हो। फिर हमने जो हम बैटरी जो पॉजिटिव वायर लगाया था, यहाँ पर हमने एक और वायर लगाया था, आपको याद होगा। तो इस वायर को हम इस यहाँ पर हमने जो यहाँ पर हैवी स्विच यूज़ किया था, इसके साथ कनेक्ट करें। कनेक्ट कैसे करना है ये भी बता देता हूँ। पहले हम वायर को काट लेंगे। ठीक है, दो हिस्से में ऐसे काट देंगे और देख लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे काट दिया और इसको हम स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमेशा जो स्विच होता है ये सीरीज में लगता है। ठीक है, स्विच लगाना आपको आता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला और लगाया था, इसको मैंने स्विच के साथ ऐसे कनेक्ट कर लिया, और दूसरा और दूसरा जो वायर है इसका एक और स्विच पे होगा, और जो दूसरा और है इसको हम जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का 0 का पॉइंट है, यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ एक लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट का हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, देखो, मैंने स्विच के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया और आप इसको मैं ट्रांसफॉर्मर का जो 0 का वायर है, पॉइंट है, यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट करूँगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो RPS किट है और जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, बड़ा ट्रांसफॉर्मर, ये अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर मैंने स्विच का भी कनेक्शन कर दिया, आपको सब समझा दिया। ठीक है, एक हमारा जो पहला पार्ट है इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम यहाँ पर एक और स्विच करेंगे, अब देखते रहिए हमने यहाँ पर क्या किया। तो फ्रेंड्स, इसको हमने आउटपुट दे दिया RPS किट के साथ कनेक्ट करके, और यहाँ से हम इनपुट इसका जो आउटपुट है इसको हम निकाल लेंगे। देख लीजिए, यहाँ से मैंने दो वायर सोल्डर कर दिया और यहाँ से मैंने इसका आउटपुट निकाल लिया। आउटपुट के लिए भी मैं एक स्विच का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आउटपुट से जो पहला वायर आया था, जो फेस वायर आया था, इसको मैंने स्विच के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया, कट कर दिया, और इसको मैं सीधा सॉकेट के साथ कनेक्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना, हमेशा सॉकेट का जो राइट साइड का पॉइंट होता है ये पॉजिटिव, मतलब फेस पॉइंट होता है। यहाँ पर हमारा जो टेस्टर है वो ब्लिंक करना चाहिए। अब देख लीजिए, यहाँ पर हमारा जो आउटपुट का दो वायर है, इसको मैं इसकी जो एक वायर है इसको मैं स्विच के साथ कनेक्ट करके लिया, और एक वायर डायरेक्ट लिया, जो हमारा न्यूट्रल वायर है इसको मैं स्विच के साथ कनेक्ट नहीं किया।
तो यहाँ पर मैं सॉकेट के साथ कनेक्ट करूँगा, ठीक है। इस सॉकेट से हम यहाँ पर उसको लोड देंगे, मतलब इस सॉकेट के द्वारा हम यहाँ पर चीज़ों को चला सकते हैं, जैसे कि हमने मोबाइल चार्ज देना या लाइट जलाना, तो इस सॉकेट की मदद से ही हम ये सब करेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैं इसको या इस सॉकेट पर कनेक्ट कर दूँगा। इस सॉकेट पर कनेक्ट कर देने से ही फ्रेंड्स हमारा जो इन्वर्टर है इसका जो आउटपुट है वो हो जाएगा, हमारा जो एक पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हमारा जो बैटरी से 220 वोल्ट कन्वर्टर वो हो जाएगा। लेकिन इसके जो बाद का पार्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमने यहाँ पर बैटरी चार्जिंग ऑटोकट सर्किट भी इंस्टॉल किया, ठीक है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं सॉकेट के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इसको अच्छे से कस देता हूँ जिससे कि यहाँ पर कुछ भी लूज ना रहे। तो फ्रेंड्स देखो, मैं इसको यहाँ पर अच्छे से कस देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके जो बात का पार्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज़ फ्रेंड्स बिना स्किप किए इस पार्ट को आप अच्छे से देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्वर्टर की जो बैटरी है इसको प्रोटेक्ट और ऑटोकट प्रोटेक्शन करने के लिए ये सर्किट बहुत ही यूजफुल है। इस सर्किट को हमने बहुत ही डिटेल्स में समझने की आपको कोशिश की, हम चाहे तो इसको पीछे पर भी लगा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप को समझ में ना आने तकलीफ हो सकती है, इसलिए हमने इसको पीसीबी पर नहीं इंस्टॉल किया। इसको हमने आपको समझाने के लिए बहुत ही सिंपल बनाया है। तो फ्रेंड्स चलो आप इस सर्किट को भी देख लेते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस सर्किट को बनाने के लिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक 12 वोल्ट का रिले चाहिए। रिले के साथ हमें 25% ट्रांजिस्टर का भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ हमें कुछ रजिस्टर चाहिए जिसका वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। हमें एक 3.3 के का रजिस्टर चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने जो 25.7 है और जो रिले है इसको आपस में कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट किया, हमने जो 25.7 का जो कलेक्टर पॉइंट है और जो हमारा रिले का 2 कॉइल पॉइंट है इसको आपस में कनेक्ट कर दिया। और हमने एक वायर लिया और हमने इस वायर की मदद से रिले का जो 1 कॉइल पॉइंट है और जो कॉमन पॉइंट है इनको अच्छे से एक साथ कनेक्ट कर दिया। आप देख लीजिए, फिर ठीक है हमने इसको एक साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये यहाँ तक बहुत ही सिंपल था। अब इसके बाद का पार्ट आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर 20K का प्रीसेट लिया, 20K का प्रीसेट लिया और आप देख लीजिए इस प्रीसेट का 3 पिन है, एक तरफ 1 पिन है और एक तरफ 2 पिन है। जो एक तरफ 1 पिन था इसको मैं जो 25.7 का जो 20 वाला पॉइंट है, मतलब जो हमारा कल बेस पॉइंट है, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं 3.3K का रजिस्टर लिया और हमने जो शॉर्ट किया था रिले का कॉमन और 1 कॉइल पॉइंट, यहाँ से मैं जो हमारा प्रीसेट का एक लेग पर ऐसे लगा दिया, सोल्डरिंग कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने आपको पार्ट बाय पार्ट समझाया है फ्रेंड्स, इसको देख कर आप बिल्कुल भी मत डरिए, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। और फिर हम आप क्या करेंगे, जो हमारा 25.7 का जो हमारा इमीटर पॉइंट है और जो हमारा प्रीसेट है इसको हम प्रीसेट का जो 1 पॉइंट है इसको हम इसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, एक वायर की मदद से एक साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर यहाँ तक तो हो चुका है, अभी हम इसके बाद का भी कनेक्शन करेंगे। आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए कि कहाँ का वायर हमने कहाँ पर कनेक्ट किया, कौन सा पॉइंट हमने कहाँ पर कनेक्ट किया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एक 1K का रजिस्टर लेंगे, ठीक है। इस 1K के रजिस्टर को हम कनेक्ट करेंगे जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इसका जो इमीटर पॉइंट है इमीटर पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर मैं इसको इमीटर पॉइंट पर सोल्डरिंग करेंगे। फ्रेंड्स हम चाहे तो आपको डायग्राम भी दे सकते हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। इमीटर पॉइंट पर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 1K का रजिस्टर लगा दिया, इसका भी यूज़ मैं आपको बता दूंगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये सर्किट कुछ इस तरह का दिखेगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सर्किट का वायरिंग कर चुका हूँ, जो हमने बैटरी ऑटोकट सर्किट बनाया है, ठीक है। तो इसका भी मैं आउटपुट और इनपुट आपको दिखा देता हूँ। हमने जो बैटरी चार्ज करने के लिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज़ किया, 12 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर का यूज़ किया, इसका जो आउटपुट है, मतलब जो हमारा जो 12 वोल्ट का आउटपुट है, यहाँ पर हमें कौन सा वायर हमारा जो हमने जो यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो हमने सर्किट बनाया, जो रिले को यूज़ करके जो सर्किट बनाया, यहाँ पर कहाँ कनेक्ट करना है आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं जो इसका जो आउटपुट है, यहाँ का जो पॉजिटिव वायर है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे इसे सोल्डर कर लेता हूँ, जिससे कि हमें सोल्डरिंग करने में आसानी हो। तो इसको मैं आप देख लीजिए, यह हमारा हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, ये हमारा रिले के साथ बनाया गया
सर्किट है। यहाँ का जो हमने दो पॉइंट जो शॉर्ट किया था, आपको याद होगा दो पॉइंट जो शॉर्ट किया था, यहाँ पर हम इसका जो पॉजिटिव वायर है, जो हमने 12 वोल्ट का जो पॉजिटिव वायर है, हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है, जिस ट्रांसफार्मर से हम बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ करेंगे, इसका जो आउटपुट है, इसका जो पॉजिटिव वायर है, इसको हम जो हमने कॉमन और वन कॉइल पॉइंट को जहाँ पर शॉर्ट किया था, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब हम आपको बता देते हैं कि निगेटिव वायर कहाँ पर कनेक्ट करना है। तो निगेटिव वायर आपको कनेक्ट करना है हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है BC547, और इसका जो इमीटर पॉइंट है, इमीटर पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, हमने जहाँ पर एक 1K का रजिस्टर कनेक्ट किया था, आपको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें निगेटिव वायर को कनेक्ट करने, ओह यहाँ से पॉजिटिव वायर छूट गया था, इसको भी थोड़ा सा लगा ऐसे सोल्डरिंग कर देता हूँ। अब निगेटिव वायर को भी हम ट्रांजिस्टर के इमीटर पॉइंट पर सोल्डरिंग कर देता हूँ। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए बहुत ही डिटेल्स में समझाया है, फिर भी आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कौन सी पार्ट आपको समझ में ना आए कमेंट करके हमें बताइए, हम आपकी क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने इस सर्किट को इनपुट दे दिया, मतलब इसको हम 12 वोल्ट सप्लाई दे दिया, और इससे हमें आउटपुट निकालना है। आउटपुट जो हमारे बैटरी को चार्ज करने के लिए जाएगा, इससे हम आउटपुट निकालने वाले हैं। आउटपुट का जो निगेटिव वायर है फ्रेंड्स, ये निगेटिव वायर हमने जहाँ पर इनपुट का निगेटिव वायर कनेक्ट किया था, यहाँ से ही लेना है। मतलब हमारा जो ट्रांजिस्टर है, इसका जो इमीटर पॉइंट है, यहाँ पर हमें न्यूट्रल निगेटिव वायर कनेक्ट करना है, और जो पॉजिटिव वायर है, इसको हम हमारा जो रिले की नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, नॉर्मली क्लोज पॉइंट पर कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कहाँ का वायर हमने कहाँ पर कनेक्ट किया, इससे आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐसे वायर को कनेक्शन कर दिया और इनपुट और आउटपुट दे दिया। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हमारा जो सर्किट है, इसको आउटपुट और इनपुट देने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, हम इसके बाद आपको इसका जो आउटपुट है, इसको कहाँ पर कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, यहाँ पर LED इंडिकेटर जो हमें LED लगाने वाले हैं, इसको कैसे कनेक्ट करना है, ये भी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर दो LED लेंगे, एक मैंने लिया ब्लू कलर का LED और एक मैंने लिया रेड कलर का LED। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस LED का जो निगेटिव पॉइंट है, ठीक है, दोनों LED का जो निगेटिव लेग है, इन निगेटिव लेग को आपको एक साथ कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, देख लीजिए, मैंने एक वायर का यूज़ किया यहाँ पर, और दोनों LED का जो निगेटिव पॉइंट है, इसको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। क्यों कनेक्ट किया, ये इसको आप कहाँ पर लगाना है, ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इस हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपको सब क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इंसुलेशन है, हमने जिस वायर को कनेक्ट किया था दोनों LED के निगेटिव पॉइंट पर, ऐसे थोड़ा इंसुलेशन ऐसे हटा लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हम यहाँ पर सोल्डरिंग करने में आसानी हो। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, कहाँ पर कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो लगाया था सर्किट, जो यहाँ पर लगाया था, इस सर्किट को आप अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट है, आप देख लीजिए, हमने आउटपुट का जो पॉजिटिव वायर लगाया था, और यहाँ पर जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है, यहाँ से मैं दो वायर निकाल लेता हूँ। आप देख लीजिए कहाँ से मैंने वायर निकाला, और एक और वायर में हमने जो रजिस्टर लगाया था 1K का रजिस्टर, यहाँ से मैं एक और वायर निकाल लेता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए, हमने दो वायर निकाला रिले के जो नॉर्मली वन और नॉर्मली क्लोज पॉइंट से, और एक वायर निकाला हमने 1K रजिस्टर से। हमने जो 1K रजिस्टर से एक वायर निकाला, इसको हमने जो हमने दोनों LED का जो निगेटिव पॉइंट शॉर्ट कर दिया था, यहाँ पर लगा दिया, और जो हमने नॉर्मली ओपन से लाया वायर, इसको हमने रेड LED के साथ पॉजिटिव पॉइंट के साथ, और जो नॉर्मली क्लोज से मैंने वायर निकाला, इसको मैं ब्लू LED के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर समझ में ना आए तो वीडियो थोड़ा स्किप करके आप पहले देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पोस्ट कर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कहाँ का वायर हमने कहाँ पर लगाया। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर LED को, हमने जो यहाँ पर होल बनाया था, इस होल में ऐसे LED को फिक्स करेंगे, और यहाँ पर हम इसको सुपर ग्लू के मदद से चिपका देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर यहाँ तक का कनेक्शन समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, LED को हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। ये जो रेड कलर का LED है, ये बैटरी चार्ज ओवर चार्ज होने पर ब्लिंक करेगा, और जो ब्लू कलर का LED है, ये बैटरी चार्ज होने पर ब्लिंक करेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपको पार्ट बाय पार्ट समझाया है। आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, इस बात को ध्यान रखते हुए हमने वीडियो को थोड़ा लंबा बनाया है। हम जाते तो वीडियो को छोटा सा करके भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझ में आने में कुछ तकलीफ हो सकती है, इसलिए हमने वीडियो को थोड़ा लंबा कर दिया। ठीक है, तो आप देख लीजिए, हमने यहाँ पर रिले को ये चिपका दिया, और अब हम जो
अब हम यहाँ पर जो इन्वर्टर ऑन होने पर जो एलईडी ब्लिंक करना चाहिए इसका कनेक्शन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एलईडी को यहाँ पर ऐसे चिपका लेते हैं जो हमने होल बनाया था, और एलईडी का जो निगेटिव पॉइंट है यहाँ पर हम एक वायर कनेक्ट करेंगे। इस वायर को हमने फ्रेंड्स यहाँ पर जो आरपीएस किट के बैटरी का जो निगेटिव पॉइंट था यहाँ से जो एक वायर निकाला था पहले ही वीडियो के पहले में आपको बताया था, दिखाया था, यहाँ से मैं वायर को निकाला था। इस वायर के साथ हम एलईडी को जो निगेटिव पॉइंट है इसको हम कनेक्ट करेंगे, और एलईडी का जो पॉजिटिव पॉइंट है फ्रेंड्स इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारा जो स्विच है, हमने यहाँ पर स्विच लगाया था, स्विच में जो वायर लगाया था इस वायर से हम इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है इसको कनेक्ट करेंगे, जिससे कि स्विच ऑन होने पर हमारा जो एलईडी है वो ब्लिंक करे और हमें पता चले कि हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो चुका है। मीन्स ऑन का ये इंडिकेट करेगा ये एलईडी, ठीक है। इसको मैंने ग्रीन कलर का एलईडी लगाया है यहाँ पर, तो आप देख लीजिए हमने यहाँ पर 3 एलईडी लगाया। इन तीनों एलईडी का काम अलग अलग है, आपको मैं सब समझा दूंगा पार्ट बाय पार्ट। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हमने यहाँ पर एलईडी का भी कनेक्शन कर लिया। अब देख लीजिए ये जो वायर है, ये वायर है हमारा जो बैटरी चार्ज करने के लिए हमने जिस ट्रांसफार्मर का यूज़ किया इसका जो इनपुट वायर है, मतलब जो 220 वोल्ट इनपुट वायर है, इस इनपुट वायर को हम यहाँ पर कैसे कनेक्ट करेंगे आप देख लीजिए। यहाँ पर भी एक फंदा है, आप देख लीजिए यह जो हमने सॉकेट पर लगाया था ये हमारा जो आउटपुट है 220 वोल्ट, हमारा जो इन्वर्टर आउटपुट देगी ये आउटपुट का न्यूट्रल वायर है। इस वायर के साथ हमारा जो बैटरी चार्ज देने वाला जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का जो इनपुट वायर है इसको भी हम एक साथ कनेक्ट करेंगे। आप समझ रहे हैं कि हमने किन दो वायर को एक साथ कनेक्ट किया। हमने यहाँ पर कनेक्ट किया जो हमारा आउटपुट वायर है, हमारा जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट वायर है, जो आरपीएस किट के साथ हमने जिस ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया था इसका आउटपुट वायर, और हमने बैटरी चार्ज करने के लिए जिस ट्रांसफार्मर का यूज़ किया इसका इनपुट वायर एक साथ कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने एक और वायर कनेक्ट कर लिया, ठीक है। हम इस इन्वर्टर को फैंस जो हमारा बड़ा इन्वर्टर होता है एल्यूमिनियस इसके तरफ बनाना जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इस मॉडिफिकेशन को किया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ब्लैक वायर का भी वायर को भी कनेक्शन कर दिया और इस वायर को इस होल के मदद से यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब हम इसका जो अब देख लीजिए हमारा जो बैटरी चार्ज देने वाला ट्रांसफार्मर है इसका एक और वायर है, पॉजिटिव इनपुट है, ठीक है। पॉजिटिव इनपुट को हम यहाँ पर फ्यूज़ के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हमने जो फ्यूज़ कनेक्ट किया था, आप फ्यूज़ का कनेक्शन ना भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पर सेफ्टी के लिए फ्यूज़ का कनेक्शन किया क्योंकि हम इसको बहुत ही हेवी बनाने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर फ्यूज़ के साथ इसका जो पॉजिटिव वायर है इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने एक ब्लू कलर का वायर निकाल लिया, ठीक है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने जो सर्किट लगाया था बैटरी चार्जिंग ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन सर्किट, इसका जो आउटपुट वायर था, ठीक है, हमने इसको इनपुट दे दिया लेकिन इसका आउटपुट का कोई भी यूज़ नहीं किया था हम। अब इस आउटपुट को हमने जो बैटरी के लिए 2.5 mm का वायर यूज़ किया यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। जो हमारा पॉजिटिव वायर था, मतलब जो रेड कलर का वायर था, यहाँ पर हमने जो आउटपुट हमारा जो सर्किट का आउटपुट का जो पॉजिटिव वायर है इसको यहाँ पर एक साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो वायर है हमारा जो चार्जिंग बैटरी के साथ कनेक्ट होने वाला जो वायर है इसका जो इंसुलेशन है इसको थोड़ा सा हटा लिया, ठीक है। इसको हटाने के बाद यहाँ पर मैं इसको सोल्डर कर दूंगा। हमारा जो ब्लू कलर का वायर है ये हमारा निगेटिव है, और जो हमारा रेड कलर का वायर है ये थोड़ा पॉजिटिव वायर है। पॉजिटिव वायर के साथ हमारा जो सर्किट का पॉजिटिव वायर है इसको हम इसे कनेक्ट करेंगे, और जो हमारा निगेटिव वायर के साथ हमारा जो सर्किट का जो बैटरी ओवरचार्ज प्रोटेक्शन सर्किट का जो निगेटिव वायर है इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो इन्वर्टर है वो लगभग पूरा हो चुका है। इसका वायरिंग देखिए, ये देखने में थोड़ा क्रिटिकल लगता है लेकिन आप अगर हमने जैसा बोला वीडियो में ऐसा ही अगर आप पार्ट बाय पार्ट करते हैं तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम इसको टेप से अच्छे से चिपका देंगे जिससे कि एक दूसरे के साथ ना लगे और इस बॉडी के साथ भी ना लगे, वरना यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं इसको अच्छे से टेप से ऐसे चिपका देता हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये गर्म भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैं सीपीयू फैन का भी यूज़ करूँगा। सीपीयू फैन को
फ्रेंड्स हम यहाँ पर सिंपली हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो 12 वोल्ट का आउटपुट है, जिस ट्रांसफार्मर को हमने बैटरी चार्ज करने के लिए यूज़ किया था, इसका जो 12 वोल्ट का आउटपुट है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इसका कनेक्शन हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे, मैंने आपको बता दिया क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है, तो हम सीपीयूवैन को भी इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मैंने यहाँ पर सीपीयूवैन को भी इंस्टॉल कर दिया और इसका जो नाथ है इसको भी मैं कवर को इस नाथ की मदद से चिपका दिया। आप इसका लुक ऐसे देख सकते हैं, ये पूरा ब्लैक वायर है, ब्लैक कलर है और इसका जो चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पर मैं एक 3-पिन सॉकेट को कनेक्ट कर दिया और इसको बैटरी के साथ मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। अब देख लीजिए, मैं यहाँ पर जो स्विच बटन दबाने पर हमारा जो ग्रीन वाला LED है वो ब्लिंक कर रहा है, मतलब हमारा जो UPS है, इन्वर्टर है, वो ऑन हो चुका है। और ये जो स्टेप अप स्टेप डाउन स्विच है ये इस सॉकेट की जो पावर है इसको कंट्रोल करने के लिए है। तो आप हम इसको टेस्ट कर भी देख लेते हैं। आप इसका ओवरऑल लुक ले देख लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और अच्छा दिखने के साथ साथ ये बहुत ही हेवी है। आप देख सकते हैं ये पीछे ये एक CPU फैन भी लगा हुआ है जिससे कि आप इसका हेवीनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका लुक बहुत ही अच्छा है, मैं यहाँ पर आपको टेस्टर ब्लिंक करके दिखा देता हूँ। मैं स्विच ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर टेस्टर भी ब्लिंक कर रहा है, मतलब हमारा जो इन्वर्टर है वो बहुत ही अच्छे से आउटपुट दे रहा है और यहाँ से हम बहुत ही अच्छे चीज़ों को चला सकते हैं, जैसे कि मोबाइल चार्जिंग हो गया या बल्ब जलाना हो गया, इसको आप डेली यूजेस में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हमारा इन्वर्टर अब कम्प्लीट हो चुका है। आप में आपको यहाँ पर इससे एक 100 वाट का बल्ब जलाकर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक 100 वाट का बल्ब लिया और देख लीजिए फ्रेंड्स ये कितने आसानी से इस बल्ब को जलाकर दिखाएगा। इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा इन्वर्टर कितना पावरफुल है। ठीक है, कई लोग पूछते हैं फ्रेंड्स कि हम ऐसे RPS की चे फैन चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, फैन चला सकते हैं लेकिन फैंस, लेकिन हमें यहाँ पर बड़ा ट्रांसफार्मर और ज़्यादा बड़ा बैटरी भी चाहिए होगा। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा जो 100 वाट का बल्ब है वो बहुत ही आसानी से जल रहा है। अब इसका पावर भी देख लीजिए फ्रेंड्स, पावर थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने छोटा बैटरी का नहीं, छोटा बड़ी बैटरी का यूज़ किया जिससे कि इसका जो आउटपुट है वो भी बढ़ गया और हमारा जो 100 वाट का बल्ब है वो बहुत ही आसानी से जल रहा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको इसका जो चार्जिंग सेक्शन है इसको भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी है और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कितने फोल्ट है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, मल्टीमीटर से मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर लगभग 11 फोल्ट है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हमारा जो इन्वर्टर है इसको इससे चार्ज लेने के बाद इसका फोल्ट कितना इंक्रीज़ होता है, मतलब हमारा जो इन्वर्टर है इस बैटरी को अच्छे से चार्ज कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, हमारा जो सर्किट है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपको दिखा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने यहाँ पर ऐसे स्विच को ऑन किया, आप देखिए मल्टीमीटर का वोल्टेज है बहुत इंक्रीज़ हो गया, इसका मतलब हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है वो बहुत ही आसानी से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा चार्जिंग सेक्शन, अभी हम जो हमने यहाँ पर सर्किट लगाया था इसका भी टेस्ट करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर ब्लू कलर का लाइट LED ब्लिंकर है। अभी मैं एक वायर लूँगा और दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करूँगा। जैसे ही मैं शॉर्ट किया तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो रेड कलर का LED है वो ब्लिंक करने लगा, मतलब हमारा जो सर्किट है बहुत अच्छे वर्क कर रहा है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, बाय बाय।